की गजा होती है और वाकई मौसीकी से आपकी लाइफ में, आपके मूड में बहुत चेंज आता है। आप जिस किस्म के गाने सुन रहे होते हैं, आपका मूड जो है वो उसी किस्म के गानों के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। आप हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप अजीब से हो जाते हैं, मनहूस से। और ये अब तो खैर बहुत एडवांस दौर हो गया है, मोबाइल में लोग गाने सुन रहे होते हैं, लैपटॉप में लगे होते हैं, आईपैड में होते हैं, आईपॉड में होते हैं। और पहले ज़माने में जब टेप रिकॉर्ड में कैसेट्स आया करती थी तो हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि हम गाने लिख लिख के दिया करते थे कि जी हमें ये गाने रिकॉर्ड करके दे दें, और फिर वो एक पूरी लिस्ट जाती थी और वो गाने उसमें रिकॉर्ड होकर आते थे। और कोई एक गाना ऐसा भी होता था जो ए साइड पर पूरा एक ही गाना होता था और बी साइड पर कोई दूसरा पूरा गाना होता था, यानी पूरी की पूरी कैसेट में एक गाना इस साइड पे होता था और एक गाना इस साइड पे होता था, जो हमें बहुत पसंद होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि टेप खराब हो जाता था और जो उसकी कैसेट की जो रील होती थी वो टूट जाती थी, फिर उसको नेल पॉलिश से है यूं कर रही है। हाँ माइक तो दे, जरा पूछो क्या यूं कर रही है, आप करती थी ऐसा करते? और सभी कह रहे हैं अब किस किस को माइक दो मैं, है ना। फिर उसको जोड़ा जाता था, फिर उसको दोबारा सुना जाता था, बीच में से एक जुमला भी गायब हो जाता था जहाँ से वो टूटी होती थी, जहाँ से जोड़ते थे। तो जी सदियों से लोग जो है मौसीकी के फैन चले आ रहे हैं और आगे सदियों तक रहेंगे। और अब तो बच्चा भी जो होता है उसको भी पता होता है कि कहाँ पे हिलना है और कहाँ पे नहीं हिलना है। बच्चों को भी समझ आ गई है अब कि जी ये जो मौसीकी है ये जिंदगी के साथ साथ चलती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक शो ऐसा किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाने ही गाने हों, मजे ही मजे हों। लेकिन हमारा शो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बोर हो, कि आप सिर्फ उसमें गाने सुन रहे हो, उसमें गानों के साथ साथ गेम्स भी हैं। जैसे कि शादियों में पहले अंताक्षरी हुआ करता था और अभी भी होता है, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। और आज हमारे साथ बहुत मजे मजे के एक्टर्स मौजूद होंगे जो कि गाते भी बहुत अच्छा हैं, और इसके अलावा एक सिंगर हमारे पास ऐसे आज हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे कि जिन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर अपना नाम किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन पहले हम आपको अपनी टीम से मिलवा देते हैं, जो हमारी आज के जो शो है उसकी दो टीम्स हैं, जो आज का हमारा गेम का मुकाबला है, गानों का मुकाबला है, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, उसमें हमारी दो टीम्स हैं। और एक टीम का नाम है, जैसा कि नजर आ रहा है आपको, चमकीली। अब ये जो चमकीली टीम है इसमें किस किस्म की चमकदार औरतें शामिल हैं ये हम आपको दिखाएंगे अभी बुला के उनको, किस किस्म की चमकदार औरतें हैं। और एक जो हमारी टीम है वो है रंगीले। इसमें तमाम रंगीन मिजाज एक्टर हमारे शामिल हैं जिनसे हम अभी आपको मिलवाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं किस को बुलाऊ, रंगीले को या चमकीली को? चमकीली। तो जी चमकीली जो है हमारी टीम, उसकी जो पहली एक्ट्रेस है मैं उनको बुला रही हूँ, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ ला रही है ज़हीन तारा। तशरीफ रखिए, ये हमारी चमकीली है। और चमकीली आपको मेहनत लगेगी थोड़ी यहाँ बैठने में? नहीं नहीं, बैठ जाएगी। समझा हुआ तुमने मुझे? 16 साल की हूँ अभी मैं। ये देखो ऐसे ये। और टीम बी की दूसरी चमकीली को बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में, चमकीली की तीसरी जो चमकीली है उसको मैं बुला रही हूँ, और वाकई बात चमकीली ही लग रही है आपकी बात सही तालियों में, इनाम। ये है ना चमकीली? चमकीली देखिए आपने हमारी। चमकीली बैठ जाइए इधर। और जी अब बारी है रंगीले की, तो रंगीले के जो पहले मेहमान है उनको मैं बुलाती हूँ, और उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने
जो है वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और उनके फेवरेट अदाकारों में दिलीप कुमार शामिल हैं और किसी जमाने में वो भी उनमें मिला करते थे, अब तो वो बस मिल ही गए हैं मिले जुले हो गए हैं कुछ। आपकी बहुत सारी तालियों में शब्बीर राणा। और जी जो दूसरे हमारे इस रंगीले की के जो दूसरे रंगीले हैं, वो रंगीले जो हैं उनको आपने एक्टिंग करते हुए फिल्मों में ड्रामों में तो बहुत देखा है, लेकिन शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी एक एल्बम बनाई थी गानों की जो कि रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि वो अमेरिका चले गए अपनी एल्बम बना के यहीं चोट चाड़ के, और उनके दो वीडियोज भी ऑन एयर हुए टीवी के ऊपर। और मैं तो उनसे ये कहती हूँ कि अब आप एक काम करें, एक्टिंग तो ठीक है कर ली बहुत, अब आप गाने शुरू कर दें। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ फिल्म स्टार साउथ। और जी हेलो, शुक्रिया इज्जत अफजाई का। अच्छा अच्छा जी, और अब जो है मैं बुला रही हूँ हमारे बहुत ही प्यारे, जिनको काम करने से ज्यादा गाने का शौक है। जब वो यहाँ हमारे शो पे आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि काम कम करूं और गाने ज्यादा गा लूं, और हर ब्रेक पे कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं। आपकी बहुत सारी ताली में वाजिद खान। तुम क्या रॉक स्टार बनकर आए? नहीं, हर वक्त सीरियस सीरियस ही रहा, आज गाने का माहौल था तो मैंने बोला रॉक स्टार बन जाए। बैठो। सलाम अलैकुम। हेलो भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह का। तो तैयार हैं आप लोग? जी, तकरीबन से हैं। तकरीबन से हमेशा से। अच्छा इरम, दरक्षा का तो हमें पता है अच्छा गाती है, सही ना? आपको भी पता है, तुम कैसे गाती हो? मैं ये अच्छा सुनती हूँ और वो तो देखिए, वो उनको तो देखिए, वो किसी गजल के मुकाबले में आए हैं। हालांकि गजल के मुकाबले में गदर मचाने आए हमारी टीम के लिए कोई गलत बात नहीं। हमारे उस्ताद भी हैं, उस्ताद शब्बीर राणा साहब। खान साहब, शब्बीर खान साहब, खान साहब। तो ये हमारी दोनों टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुकी हैं और हम मुकाबला स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक आर्टिस्ट से भी मैं आपको मिलवाएंगे, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि हम उससे मिलवाएंगे आपको, और इनके साथ जो मुकाबलेबाजी होगी वो हम देखेंगे कि आज क्या होता है, क्योंकि आज सिर्फ गाना नहीं है, गाने के साथ और भी बहुत कुछ करना है। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज आए हुए हैं रंगीले और चमकीली। जी मुकाबला शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम अपने गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं, उनके बारे में बताते चलूँ कि हमारे मुल्क के बहुत नामवर नाथवां गुलाम साबिर साहब के बेटे हैं। इन्होंने इंडिया में होने वाले 2015-2016 एशिया सिंगिंग सुपरस्टार में हिस्सा लिया था, जिसमें से टॉप 5 में ये शामिल थे। 40 दिन तकरीबन नई दिल्ली में रहे। शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन इनके जजेस में शामिल थे। इन्होंने बहुत अच्छे गाने गजलें गाई, मगर फेवरेट मेरी हसन साहब की गजल थी कैसे छुपाऊं राज़े गम, जिस पर जजेस ने इनकी बहुत तारीफ की। और इसके अलावा इन्होंने वहाँ पे कवाली ताजदार हरम भी पढ़ी। इनको एजाज़ हासिल है कि दो परफॉर्मेंसेस पे के बाद जजेस की तरफ से इनको 10-10 पॉइंट्स मिले थे। तो पहले इनका हम ठीक ठाक और बड़ा अच्छा सफर रहा आपका, और जितना भी आपने पाकिस्तान का नाम किया, ये मुझे बताएं कि वहाँ जाने से पहले यहाँ आपने कुछ किया, कोई काम किया या वैसे ही आप यहाँ पे इसके ऑडिशन हुए थे? हाँ। उसके बाद इस चीज का मुझे शौक था, लेकिन कोई चांस था नहीं। हाँ, तो ये ऐसा एक शो था जिसमें जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफी इज्जत अफजाई जी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो इस तरह के जितने भी शोज या जो भी मुकाबले होते हैं उसमें टैलेंट शोज में जाकर पता चलता है कि हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा जो है वो लोग इतने ज़्यादा फन है हमारे मुल्क में, चाहे वो आप सिंगिंग के हवाले से लें, चाहे एक्टिंग के हवाले से लें, चाहे किसी भी हवाले से ले लें, लेकिन बस होता ये है कि हम लोगों ने उसको आगे आने के लिए हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उसको आगे करें और लोगों को बताएं कि हमारे यहाँ कितना फन जो है वो भरा पड़ा है हमारे मुल्क में। तो एक बार बहुत सारी तालियां जुबैर के लिए। वालिद साहब आपके माशाल्लाह बड़े नाम, बड़ा नाम उनका पाकिस्तान में, तो क्या वालिद साहब ने आपको इजाजत दे दी कि आप गाने गा सकते हैं? जी उनकी इजाजत थी तो मैं आया। तो मुश्किल से मिली या आसानी से मिल गई? जी आसानी से, उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ पर आपका शौक है और आप जहाँ पर जिस काम में भी आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप आसानी से गा सकते हैं। अच्छा, और जब वहाँ से तुम माशाल्लाह फाइनल्स में शामिल हुए, सब हुए तो कितने खुश थे सब? बहुत खुश थे कि हाँ? मैं जो कि क्या उनके एक्सप्रेशन थे, मैं आपको बस वो शायद अल्फाज वो नहीं है जो है नहीं वो मेरे पास। और जब वहाँ से खुश थे, बहुत ज्यादा खुश वहाँ से वापस आए तो यहाँ पे काफी अप्रिसिएशन इधर भी हुई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो वहाँ भी इतना अप्रिशिएट हुआ, यहाँ भी अप्रिशिएट हुआ। नहीं, एक बार फिर तालियां भाई जुबैर के लिए। और इतनी दूर जाकर, दूसरे के इलाके में जाकर मैदान मारना बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा जुबैर, आज हमने ये अपना शो अरेंज किया हुआ है, ये हमारी टीम है रंगीले, माशाल्लाह और ये हमारी टीम है चमकीली, तो ये चमकीली और ये रंगीले, इन लोगों के बीच मुकाबला होने जा रहा है, ठीक है? अच्छा, और पहला सुरीले आप हैं। ये सुरीले इधर है, सुरीले इधर है, चमकीले रंगीले इधर है। तो ये मुकाबला होने जा रहा है और पहला जो राउंड है हमारा वो ये है कि मैंने इन लोगों को एक एक वर्ड बताना है जी जी। और इन्होंने उस पर गाना गाना है फौरन फौरन। ये बीप बजानी है? हाँ, बीप बजाओगे पहले, उसके बाद बीप से पहले इसने गा दिया उसके 10 नंबर कट जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखना बीप शादी हुई थी तो 10 साल की थी, 14 की यार, इतना भी नहीं भाई, मैं तो बचपन से इनके ड्रामे देखते आ रहा हूँ। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। नहीं नहीं नहीं, कौआ भी गाने का। चलिए जी, दूसरा वर्ड है मस्ती। गाए मस्ती में, मस्ती मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम। मस्ती के दिन है, चलो झूमे। नेक्स्ट चांद। चांद लाजवाब हो गाने खराब ना करें एक दूसरे के। शब्बीर आनंद साहब, अगर आप अपना शौक पूरा करें करें, लेकिन घंटी हमने बजाई, हमने बजाई थी पहले, कोई बात नहीं, हमने आपको अपने नंबर दे दिए। कोई किसने बजाया बजाया पहले बताइए, चेक करें। अब हमने बजाया, लड़कों ने ही बजाया है। हाँ, लड़के लड़के, हम लड़के। अच्छा भाई प्लीज, एक दूसरे के गाने खराब मत करिएगा, अगर आपस में घिचड़ पिचड़ खिचड़ी पक गई तो देखने वाले बोर हो जाएंगे और चैनल चेंज कर देंगे। अच्छा जी, आखिरी आखिरी, ठीक है, तैयार है, बजा दे गम। ये आपने उस शो में भी गाना गाया था? ये मैंने उस शो में भी गाया था। और सबसे अच्छा आपको कौन सा गाना लगा जो आपने उस शो में गाया है? सबसे ज्यादा पसंदीदाई किस गाने पे मिली? एक सॉन्ग था ये मेरा, और एक थी मेरी कवाली, कवाली वो दर्दारे हरम, दर्दारे जो लास्ट आइटम था। जी जी, कैसे छुपाऊं, कैसे छुपाऊं वो राज गम, इस पे उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा जबरदस्त। अच्छा जी,
अभी से बटन पे हाथ रख के बैठ गई है। वो अभी से बटन पे हाथ रख के बैठती है। मसला मैंने हाथ पे हाथ रखा क्या आपके गाने का, तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही। हम तो फिर भी गा लेंगे, आप लोग जरा बल्कि मैं कह रहा हूँ दरक्षा आप खुदकुशी कर ले। पानी तो मैं चिल्लू कर। चले जी दूसरा राउंड शुरू करते हैं और दूसरे राउंड में हम आपको स्क्रीन पर एक गाना दिखाएंगे, लेकिन वो गाना वो नहीं होगा जो आप देख रहे होंगे, लेकिन आपने उस गाने को देख कर वीडियो देख कर पहचानना है कि कौन सा गाना होगा। ये ऐसा लग रहा है कि हमने इनको मेहमान इब्राहिम इनको सजा दी है। और आपने बड़े नहीं इनको सजा मिली, हमें इनाम मिल रहा है, इतनी कदर प्यारी चीज सुनने को मिल रही है। बड़े बड़े बेईमानों का सरदार भी देखा होगा वाजिद खान। वाजिद काजी खान नहीं है ये, वाजिद काजी है। अच्छा जी अब जो है एक नेक्स्ट हम जो राउंड शुरू करें वो बड़ा मजेदार है। उसमें ये इनके हाथ में ये आप देख रहे हैं कुछ पर्चियां हैं, इनमें से एक बंदा आके पर्ची उठाएगा और उसको यहाँ पर ये प्रॉप्स रखे हुए हैं, उसमें जो गाना लिखा हुआ होगा मुंह से बिल्कुल एक लफ्ज नहीं बोलना, ना मुंह हिलाना है ना जबान हिलानी है, ठीक है। और उस एक्शन करके और उस प्रॉप्स के जरिए आपको अपनी टीम को बताना है कि ये कौन सा गाना है। अच्छा ठीक है, तो आप में से कौन आएगा सभी से पहले? आ जाओ इरम, आ जाओ भाई, इरम के लिए तालियां बजाइए। इरम ने कहा मैं कुछ तो कर लूं, आई हूं आज शो में, तो कहां जा रही हो? पर्ची तो निकाल लो, पता कुछ है नहीं, तुम हमें भी मरवा दोगे। अच्छा मुझे दिखाओ, ठीक है देख लिया आपने। झुमका झुमका गिरा रे बाजार में, झुमका गिरा रे सऊद भाई ने इतनी अच्छी बात की है, एक तरफ वाजिद को बोला एक तरफ उसका, उनको कहा ये सीनियर है ना इसका प्लीज बोलेंगे नहीं, ठीक है प्लीज चले इधर आओ। तुम फिर वहां चली जाती हो तो क्या शौक है वहां जाने का? दिखा मुझे। अल्लाह इसका तो वही कुछ और था। ढूंढो ढूंढो मिल जाएगी, सामने रखी हुई एक चीज। बिस्कुट रखे हैं वो खा लिया। ये रहा ना, ये रहा ना, अल्लाह ये क्या था? वो है ना हमको तुम किस खुशी में बोल रहे हो? नहीं है मैं बताता हूँ, अखियों से गुल आए हैं। हो गया अब डन 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 एक मिनट एक मिनट ये नहीं प्लीज खामोश खामोश यार आप नहीं बोले, आपको मना किया प्लीज प्लीज। आ गया 5, 4, 3, 2, 1 दीदी तेरा नेवर दीवाना, दीदी तेरा नेवर दीवाना, हाय राम पुरियों को डाले दाना, हाय राम पुरियों को डाले दाना। ये तो कोई नहीं किया था, मैं एक बात बताऊं, अगर वो ले आप हार गई हैं बैठ जाएं, रक्षा बैठ जाएं, मैं बस ये बता रक्षा बैठ रक्षा पागल होता तो वो ये करता, ये पहले ये करता फिर ये करता, तो पता चलता कि आप आ जाती ना, आपने इसको क्यों भेजा, आप आ जाती अब नेक्स्ट में आप आइएगा। चले जी टीम में लड़ाई, सऊद कौन आएगा? आप सऊद के लिए आइए आइए चलो चलो भाई, टीम में लड़ाई होगी, टीम में लड़ाई होगी।
बगावत होगी बगावत वोट डलवा दी दरक्षा आज बहुत हाइपर हुई है ये यार वो आ जाए जब चार ही दिन का है छुपा के पढ़े गौर से इधर मेरे पीछे पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे तो बोले क्या हो गया पता इसको तो रोक इंद्रो सुनो क्या हो गया मुझे पता चल गया पता नहीं क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा ब्रेक पे चले जाओ भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया हाँ इधर आए हमने भी सुन लिया यहाँ तक लेकिन आवाज नहीं आ रही है यार ये गाना तो सक्सर होगा भाई लेकिन हम पहचान जाएंगे समझ ही नहीं आ रहा ये रही आपकी साड़ी अब किस काम से लगा दी एक बार और बहुत अच्छा गाना है बड़ा मजेदार गाना है पुराना आप लोगों में से किसको आता हाथ उठाइएगा सिर्फ नहीं आता इतने अच्छे एक्टिंग कर रहे हो अजीत उयल्ला ए चुम तुम क्यों बोल रही हो गाना तो नहीं इनका है तुम चुप करो ना क्या हो गया यही आता है आता बाकी तो समझ अच्छा इन्होंने साड़ी का पल्लू ऐसे फेंका जैसे कहेंगे धक धक कर नहीं मुश्किल है वैसे गाना मुश्किल गाना 3 2 1 लाइए जी मैं मुझे पता है आपको पता है अच्छा आपने तो देखा हुआ है भाई आपको तो पता ही हाँ जी कौन बताएगा आप बताएंगी चलें जी ये ले काफी मुश्किल गाना था पुराना गाना है किसी को आ रहा है ये गाना नहीं आ रहा नहीं आ रहा मैं गाती हूँ उनको आ रहा है हाय हंसी तो खत्म हो थोड़ी सी ओ अम्मा मुश्किल ये क्या हो गई बदन में जो ऐसे मुश्किल गाने लिखा करो मेरी टीम सुनो ऐसे मुश्किल गाने की आई ना चले जी आइए आप कौन है दर्शन आप आएंगी बताइए आप कह रही थी सही नहीं क्या आप नहीं मैं अब तुम्हें जरा सही करके बताती हूँ हाँ चलो निकाले लाइए आइए इधर आइए दर्शन दिख रही ठीक है हाँ चलिए आ जाइए तुमने तो बड़ी इज्जत रखी है चलो ये देखो लुंगी डांस मुझे तो नहीं आता गाना आइए जल्दी आइए जल्दी एक्शन 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 एक्टिंग करते रहो अभी तुम आओ जल्दी मुझसे जो कह रहा हूं मुझसे एक्टिंग नहीं आती मैं करते रहो एक्टिंग हां एक्टिंग ही कर रहे हो एक ही क्या हो गया बिल्कुल वादे इशारे से ये क्या है ये डराओ नहीं नहीं ये है ना रुक जाए दो नो अच्छा अच्छा ठीक है पूरा अपना प्रूफ वो करना है अच्छा कोई पहले नहीं बोलेगा पहले इसको एक्टिंग करने दीजिएगा आप ही का है ये कोई और नहीं बोल सकता बजर पे हाथ रख रहे सऊद जल्दी से ना मैं आपकी हेल्प करूं क्या कर रहा है मैं आपकी हेल्प करूं आप उल्टा पहन रहे इधर लाइए मैं आपकी हेल्प करती हूं बाबा की रानी ये ले ओ यही गाना है
तुम ये पर पहन के निकल उड़ते निकल एक मिनट इतनी जल्दी तो हाई करो ना, देख ले कोई यहाँ से सीधा बाहर निकल जाना तुम। ये वही वाला हमें दिखा चाचा अच्छा वैसे एंजल का मेंटल ज्यादा लग रहा है यार, ये अच्छा बनाया इसने वैसे अपना ना। हाँ। बहुत अच्छा बेक्सी, क्यों ऐसा गाना, हम फरिश्ते हैं। आइए आपा की तालियां बजा दो यार। इतना है, बहुत आसान है, ये आखिरी जो रह गया ना बदर प्यार के, और आप ही के है बदर, वो तो रख के बैठा होता है ना, तो काम ही नहीं है। चलो दोनों टीमें देख रहे हैं गौर से, और जिसने पहले बजर दबा दिया वो जीत जाएगा। अल्लाह आप इधर आइए, हाँ इधर ही थोड़ा सा पीछे आप करके दिखाइए। चलिए हाथ रखिए, बेफिक्र जुबैर, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना उसमें तुम हर ब्रेक के बाद आते हो, हम एक चांटा मारते हो सुर, वो इतना सुरीला चांटा होता है, फिर हम होश में आते हैं दोबारा से, फिर बेसुरे हो जाते हैं। बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस। क्या बात, अच्छा आपने कोई एल्बम निकालने का कोई इरादा है या कोई वीडियो बना के गाना रिकॉर्ड करके कोई वीडियो? अपना सॉन्ग इंशाल्लाह आएगा बहुत जल्दी, जल्दी आने वाला है। और किस टाइप का है वो, क्लासिकल है, फ्यूजन है, या कोई दूसरा पॉप स्टाइल है, किस तरह का? क्लासिकल ही गाया होगा तुमने तो, नहीं स्टाइल उसमें फ्यूजन है, मिक्सर है। चले इंशाल्लाह, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, और इंशाल्लाह आपके अम्मी अब्बू की दुआएं भी आपके साथ हैं, वालदैन की दुआएं, और जब यहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं कि जो लोग निकल के सामने आए, और हमेशा यही होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं लोग, लेकिन जब कहीं बाहर जाके इज्जत मिलती है तो फिर एहसास होता है कि अरे हमने, अरे ये हीरा हमारे आसपास था, पता ही नहीं चला। अरे ये जो गा रहे हैं मेरी फुप्पी का लड़का बहुत सारी तालियां, अरे ये तो इतना सा था जब खेलता था हमारे साथ बचपन में, सारे सितारियां निकल आने थी। इसको तो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये तो आया जब था, इसको तो कोई जानता भी नहीं था, सब आ जाते हैं ना, सारी रिश्तेदारी निकल आती है। अच्छा जी, बहुत ही सुरीला गाना सुनने के बाद एक बार फिर एक बेसुरा राउंड। तो जी ये मेरे पास कुछ नाम है, इनमें कुछ सिंगर्स के नाम है, ठीक है अब सुन लो रक्षा, फिर तुम शुरू हो जाता है गेम, तो कहते हुए समझ में नहीं आया। इसमें कुछ सिंगर्स के नाम है, और एक पर्ची निकालेंगे टीम के, एक टीम के लिए मैं वो नाम बताऊंगी, आपने एक मिनट में उस सिंगर के चार गाने बगैर रुके गाने हैं, चाहे वो तीनों में से कोई भी गाए, एक गाए दूसरा गाए फिर तीसरा गा ले, ये इसकी कोई कैद नहीं है कि एक ही बंदा गाएगा, ठीक है सही है। चले जी, तो पहले चार, तेरी आंखों के दरिया में डरना भी, दो गाने गाए आपने, सही है, टाइम खत्म ना, मतलब पूरे दिन गाती रहूंगी आज। चले ये रखो, गाना खत्म हो, चले जी, चमकीलीज रंगीलाज। और जी मैं अब इनके नंबर्स आपको बता रही हूँ, पहला राउंड जो हमारा हुआ था उसमें रंगीले के हैं सात में से चार नंबर, रंगीले के, और चमकीली के हैं सात में से तीन नंबर। राउंड टू, रंगीले के हैं छह में से चार नंबर, और चमकीली के तो इतने नंबर हैं कि बस मत पूछिए, छह में से अंडा। अच्छा जी, और जो नेक्स्ट हमारा राउंड था उसमें रंगीले के हैं सात में से तीन, और अरे ये क्या गलत लिख दिया मैंने, तीसरे राउंड का बताइएगा जरा क्या नंबर है,
अरे हम जीत रहे तो बोलो ना। हाँ, रंगील तीसरे राउंड के रंगीले सात में से तीन और चमकीली सात में से दो उसके बाद फोर्थ राउंड में रंगीले दो में से दो और चमकीली दो में से अंडा फिर अंडा मिल गया जीरो और हो रहा है मुकाबला दो टीमों के दरमियान। चमकीली के नंबर है 29 में से एक नंबर है और रंगीले के 29 में से 17 डबल से भी ज्यादा डबल से भी ज्यादा। खैर हार जीत तो ऐसे ही हमने तो ये ऐसे ही शुगर मेला लगाया था, थोड़ा सा गाना बजाना हमने कहा चलो हो जाए और जुबैर भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर आ गए थे हमारे शो में, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर, थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए और आपको हम वक्तन फवक्तन कभी ना कभी बुलाते रहेंगे और हमारी सबकी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको और आगे तरक्की दे और आपका जो मकसद है जो एम है जिंदगी में बनने का वो जल्द ही पूरा हो, आमीन सुमामीन। कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने इनवाइट किया और यहाँ पर आके बहुत अच्छा हो रहा है फील के कितना अच्छा हुआ शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां बैल के लिए और थैंक यू सो मच इरम, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया और दरक्षा तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुमने आज मजा नहीं आता शो में। चलो मेरे होने से तो मजा आया वैसे तो आपा, थैंक यू सो मच। असल में आपा शुक्रिया कि मुझे इतने अच्छे माहौल में बुलाया और मुझे हंसाया, क्या बात है, आपके साथ बड़ा मजा आता है। हाँ। वहाँ पर और वो जो बैठे हैं वो बचपन से इनको चाहता हूँ, बचपन तक जा रहे हैं, बचपन तक जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। और सऊद आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाजिद खान वाजिद खान थैंक यू सो मच, आज आपको मेकअप की ट्रिप नहीं देंगे, आज हमने मेला लूट लिया वाजिद ने, वाजिद बेईमानी बहुत की है, और जी जाते जाते क्यों ना एक और गाना हम जुबैर से सुने, तो जुबैर के लिए बहुत सारी तालियां और आ जाइए जी आप लोग सबके आगे आ गए।